चैनल संगीता लाइव और मैं हूँ संगीता आज है मंडे तो मंडे अभी बज रहा है साढ़े नौ तो साढ़े नौ बजे मैं मेरा आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ आज मंडे है तो आज मेरा फास्टिंग है मैंने आपको पहले मेरा ब्लॉग में बताया था मैं सोलह संबर करती हूँ तो आज है मेरा सिक्स वाला मंडे फाइव हो गया है तो आज मैं आपको मंदिर तो मैं बाद में जो ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि आज का ब्लॉग मैं कल डालती हूँ तो आज का ब्लॉग मैं कल डालूंगी मंदिर वाला बट वो मैं अलग से बना लूँगी आज मंडे है ना तो मेरा फास्टिंग है इसलिए मैं बहुत हैवी वाला कुछ वर्क नहीं करूंगी फास्टिंग में मैं थोड़ा तो कम ही करती हूँ क्योंकि दिन भर फास्टिंग रहती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देती हूँ ऐसे तो मैं चाय पानी पी लिया है फास्टिंग में ना मैं एकदम जो विदाउट वाटर रहते हैं ना लोग निर्जला जिसको बोलते हैं वो मैं नहीं रख पाती हूँ चाय और पानी पीती हूँ चाय पानी नहीं पीती ना तो मुझे प्रॉब्लम होने लगता है तो चाय और पानी ये दोनों चीज़ मैं जरूर लेती हूँ तो चाय पानी मैंने पी लिया है तो अभी मैं सोच रहा हूँ आज मंडे है फास्टिंग है ना तो इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का काम करूंगी तो मेरे घर में है कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर है तो आर्टिफिशियल फ्लावर को मैं आज सोच रहा हूँ मैं उसका सारे क्लीन करूंगी बहुत दिन हो गया मेरे को लग रहा है दो महीना हो गया मैं वो सारे जो फ्लावर है ना उसको क्लीन नहीं किया जो व्हाइट कलर का फ्लावर है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा गंदा लग रहा है काफ़ी डस्ट हो गया है ऐसे तो गर्मी के टाइम और बहुत ज़्यादा करना पड़ता है अभी बरसात तो के टाइम ना बारिश हो रहा है इस वजह से कि हमको लगता है पॉल्यूशन थोड़ा सा कम होता है जिस वजह से तो दो महीना हो गया जो मैंने अभी क्लीन नहीं किया तो मैं सोच रही हूँ आज मैं सारे फ्लावर को क्लीन करूंगी तो चलिए मेरे साथ आ, मैं कैसे क्लीन करती हूँ आप भी इन्जॉय कीजिए मेरा क्लीनिंग आर्टिफिशियल फ्लावर को मैं कैसे क्लीन करती हूँ मैं जैसे करती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आपके पास अगर कोई और भी रास्ता है तो हम आप, आप हमको बता सकते हैं तो मैं भी आपका भी जो आप लोग जैसे करते हैं कोई अगर कमेंट करके बताएंगे तो मैं ऐसे भी करने की कोशिश करूंगी बट मैं जो जैसे मैं करती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मैं कलेक्ट कर लेती हूँ जहां जहां मैं रखती हूँ मेरा आर्टिफिशियल प्लांट को अब मैं एक बकेट में पानी लेके आई हूँ टैप वाटर और इसमें हम डाल देंगे चार पाँच चम्मच सार्प सार्प इसमें डाल देंगे और इस सार्प को अच्छे से हाथ से मेल्ट कर लेंगे नहीं तो ना सार्फ का जो बॉल्स होता है ना नीचे बैठ जाता है इसको अच्छे से हाथ से मिला लेंगे और इसमें हम डाल देंगे टू टेबल स्पून भिनीगर मैं भिनीगर डाल के वॉश करती हूँ विनीगर डाल के वॉश करने से ना बहुत अच्छे से डस्ट एकदम क्लीन हो जाता है और ये जो आर्टिफिशल जो फ्लावर है ना इसका आ, मेरा जो ये है ये थोड़ा सा ना आ, जैसे आ, कपड़ा नहीं होता है जो वॉशेबल कपड़ा थोड़ा सिल्की टाइप का आ, ऐसे कपड़े का है तो इसलिए इसमें भिनीगर डालने से ना आ, इसका रेसे वगैरह नहीं निकलता है और कलर भी ठीक रहता है और तो मैं इसीलिए विनीगर डालती हूँ विनीगर डालने से तो बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है क्योंकि मैं इसको तो ये तो फ़्लावर है आ, इसमें बिट्स वगैरह भी कहीं कहीं छोटा छोटा लगा हुआ है तो वो सब आ, क्लीन करने में हाथ से अगर घिस के क्लीन करेंगे ना प्रेशर देंगे ना तो बहुत आ, मतलब आ, इसमें जो बिट्स वगैरह लगा रहता है वो निकल जाता है ऐसे बहुत निकल भी चुका है क्योंकि मेरा ये फ्लावर बहुत पुराना भी हो गया फाइव ईयर्स तो हो ही गया है तो मैं इसको बहुत केयरफुली करती हूँ बोल के अभी तक अच्छा लग मतलब ठीक ठाक है तो इसीलिए मैं विनीगर डाल देती हूँ और इसको ना ऐसे जो सार्फ का जो पानी है उसमें ऐसे एक बार डिप करके हम आ, रख देंगे क्योंकि थोड़ा टाइम हम रखेंगे तो इसका जो डस्ट है तो डस्ट क्या है सॉफ़्ट हो जाएगा उसके बाद वो अच्छे से निकल जाएगा तो पहले मैं ऐसे डिप करके मतलब अच्छा से इसी पानी में डिप करके अलग कर लेती हूँ क्योंकि एक साथ बकेट में अगर सारे फ्लावर को डाल देंगे ना तो एक दूसरे के साथ ये आ, मिक्स हो जाता है और फ्लावर एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक जाता है ना फिर छुड़ाने में बहुत दिक्कत होता है मैं तो बार बार करते रहती हूँ इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है तो इसी मैं ऐसे ही कर रही हूँ और थोड़ा सा इसका जो फोम निकला है ना इस फोम में डीप करके थोड़ा सा थोड़ा टाइम के लिए हम रखेंगे ये वाला फ्लावर जो मेरा लेफ्ट हैंड में है ये थोड़ा बड़ा टाइप का है तो इसको हम इसमें नहीं डालेंगे मैं जा रही हूँ दूसरा एक बकेट लाने में आ, तो बकेट लेके आऊँगी और ये जो बकेट में जो मैंने आ, साबुन वाला पानी तैयार किए इस पानी को दूसरा बकेट में थोड़ा सा ले लेंगे और इस जो फ्लावर है जो इस फ्लावर को भी मैं डीप करके थोड़ा टाइम के लिए रखूँगी मैं ये सब आ, डीप करके मेरा घर में अभी पोछा नहीं लगा है तो मैं पोछा लगाने चली जाऊंगी पोछा लगा के जब आऊंगी तब तक मेरा पाँच सात मिनट हो जाएगा तब तक ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा मैं आके वॉश कर दूंगी ये देखिए ना इस बकेट में हम थोड़ा सा पानी ले ले रहे हैं जिसमें इसको थोड़ा सा डिप करके रखेंगे ना बहुत ईजी हो जाएगा इसका जो डस्ट है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से निकलेगा थोड़ा सा पुराना हो गया दो महीना हो गया मैंने क्लीन नहीं किया था तो डस्ट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही आ, इस फ्लावर में लग गया है तो इसीलिए थोड़ा सा डीप करके रखना पड़ता है अगर हर मंथ बार बार इसको क्लीन करते हैं ना तो इतना ज़्यादा डस्ट नहीं होता है बट बार बार क्लीन करने में भी डर लगता है क्योंकि ये फ्लावर ना बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है बार बार क्लीन करने से ना कुछ ना कुछ तो थो थोड़ा बहुत निकल जाता है तो मैं नहीं चाहती जो बार बार इसको वॉश करूँ बहुत जब ख़राब लगता है तभी मैं वॉश करना चाहती हूँ अब मैं ना थोड़ा सा टाइम देती हूँ इसको भिगोने में तो मैं जा रही हूँ मेरा घर का पोछा लगाने घर का पोछा मेरा लग जाएगा अब पाँच से सात मिनट मेरा घर पोछा लगाने में लगेगा और तब तक ये आ, ऐसे ही रहेगा अब मैं पोछा लगा के आ गई हूँ और एक बकेट में फ्रेश पानी लेके आई टैप वाटर और ये सारे जो फ्लावर है ना सारे फ्लावर को इस बकेट से निकाल के एकदम लाइट हाथों से इसको हल्का हल्का करके हम ऐसे प्रेस कर देंगे बहुत ज़्यादा घिसने से ना इसका पत्ता वगैरह निकल जाता है तो बहुत लाइट हाथों से इसको ऐसे निकाल लेंगे और दूसरे बकेट में जो हमने फ्रेश पानी रखे हैं ना इसी में डिप कर देंगे तो इसका क्या है जो एकदम साबुन साबुन पानी है ना निकल जाएगा मैं बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें जो साबुन का जो खुशबू होता है ना सर्फ़ एक्सेल का खुशबू मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसको वॉश करने के बाद जब घर में रखते हैं ना तो इसका भी खुशबू आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो बहुत ज़्यादा मैं वॉश नहीं करूँगी बस एक बार ऐसे जो वाटर है इसमें डीप करके रख देंगे और इसको पानी निकालने के लिए मेरे बगल में है वॉशिंग मशीन के ऊपर हमने रख दिया है फिर पानी निकल जाएगा झड़ जाएगा ये देखिए बहुत लाइट हाथों से इसको करना पड़ता है हल्का हल्का जस्ट हम ऐसे घिसते दे रहे हैं बहुत ही हल्का ये वाला व्हाइट वाला जो फ्लावर है ना ये मैंने महाराष्ट्र में लिया था वहाँ पे जहाँ पे हम लोग घर लिए थे ना वहाँ बगल मतलब बेचने आते थे लोग और ये काफी सस्ते में भी मिला था बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है जो बेचने आते हैं ना उन्हीं से हमने लिए थे ये फ्लावर मेरा कितना दिन चल गया और बहुत अच्छा लगता है मेरे घर में कोई आते हैं ना तो ये फ्लावर देख के सब लोग को बहुत अच्छा लगता है ये थोड़ा सा वॉफ वाइट कलर में है एकदम व्हाइट नहीं है हल्का सा ऑफ व्हाइट है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लगता है घर में रखने से ये और ये वाला फ्लावर भी मैंने महाराष्ट्र से लिया था महाराष्ट्र में ना बहुत मतलब आर्टिफिशियल फ्लावर ना बहुत अच्छा मिलता है मैंने ये देखा जब से हमने महाराष्ट्र छोड़ के इधर आए हैं तो फ्लावर एक तो आर्टिफिशियल फ्लावर इतना खूबसूरत भी नहीं लगता है और बहुत कॉस्टली बिकते हैं इधर तो मैं जब से इधर आई हूँ तब से तो एक भी फ्लावर नहीं ली हूँ ये सारे फ्लावर का जितना कलेक्शन है ना मेरे पास ये सारे हमने लिए है महाराष्ट्र से अब महाराष्ट्र का ही है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है सस्ते में ही लिए थे इस फ्लावर को ना हम पानी में डीप नहीं करेंगे ये निकल जाता है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फ्लावर मल्टी कलर में है तो एकदम झाड़ जैसे ब्रांच जैसे लगता है ये भी बहुत पसंद है मुझे तो इस वजह से पानी से मैंने ऊपर ऊपर पानी देके हमने वॉश कर लिया है तो फ्लावर को वॉश करने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है फिर फिफ्टीन डेज ट्वेंटी डेज के बाद ना थोड़ा सा डार्क होने लगता है क्योंकि मैं जमशेदपुर में रहती हूँ जमशेदपुर में इतना डस्ट है मत पूछिए बहुत ज़्यादा डस्ट है मैंने एक बक, एक ना फ्रेश पानी लाके इसको थोड़ा सा वॉश कर दिए हैं बस ऐसे झाड़ देंगे ना इसको पानी निकल जाएगा बस हम अभी वॉशिंग मशीन के ऊपर रख रहे हैं बाकी सारे हम क्लीन कर लेते हैं और मैं शावर ले लूँगी उसके बाद इसको हल्का सा धूप में डालूंगी जिसमें ये एकदम अच्छा से पानी इसका सूख जाए तब मैं जहाँ जहाँ इसको रखना है वहाँ वहाँ रखेंगे अब देख सकते हैं देखिए पानी देखिए पानी का हालत पानी कितना काला है इसलिए मैं दिखा रही हूँ शावर लेने के बाद मैं इसको धूप में डाल दी थी ये देखिए सूख रहा है और सारे को हम उठा लेंगे एकदम ड्राई हो गया है और अपने रूम में रखेंगे अब मैं क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारे फ्लावर को मैं उठा लेती हूँ सूखने के बाद ना बहुत अच्छा चमक आ गया इसके ऊपर अब मैं क्या करती हूँ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ ये सारे जो फ्लावर है ये तो सूख गया है ये देखिए कितना अच्छे से वाइट हो गया है ये एकदम वाइट हो गया है अच्छा लग रहा है ना ये भी काफी अच्छा कलर हो गया है अब मैं मेरा ये ट्रिक है मैं पर्सनली करती हूँ मुझे अच्छा लगता है ये कोई कंपलसरी नहीं है जो सबको ही करना है या कुछ भी ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ ये है मेरा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल आप देख सकते हैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल इसका जो फ्रेग्रेंस है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है तो ये हम ले लेंगे चार पांच ड्रॉप हम लेंगे ये स्प्रे बॉटल में हम डाल देंगे डाल के इसको अच्छा से हम मिला लेंगे मिला के ये जो फ्लावर है ना फ्लावर के ऊपर हम अच्छे से स्प्रे कर देंगे तो इसमें क्या है ये फ्लावर के ऊपर ना खूब अच्छा सा खुशबू रहेगा तो अभी तो मैंने वॉश किया है मैंने मेरा लिविंग रूम को अच्छे से क्लीन भी किया और इसको मैं रखूंगी ना तो चारों तरफ बहुत अच्छा खुशबू मेरा लिविंग रूम में फैल जाएगा तो ये काम मैं कर लेती हूँ फिर मैं मिलती हूँ अब ये फ्लावर जहाँ जहाँ रखा हुआ था वहीं वहीं हम रख देते हैं तो आज हम यहीं पे मेरा ब्लॉग को एंड करते हैं आई होप गाइज मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग एंजॉय किए होंगे अगर आप कोई दूसरा तरीके से आर्टिफिशियल फ्लावर को इस तरह से वॉश करते हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मैं सारा कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ और हम यहीं पर मेरा ब्लॉग को एंड करती हूँ फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ तब तक लेता टा